शांति। प्रातः क्लास चल रहा था, 11:05:64 सोमवार को चौथे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि बरोबर पहले पहले सोमनाथ मंदिर था, बाप बैठ करके समझाते हैं, जब भी कोई आवे तो उनको बोलो देखो गॉड फादर इज वन। भारत में तो और ही अच्छा कहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, और वो क्रिश्चियंस हमेशा कहते हैं गॉड फादर इज वन। ये है मदर एंड फादर एंड कंट्री, तो हुए जगदम्बा और जगत पिता। और कोई भी गांव में जगदम्बा जगत पिता होते नहीं है, उनका चित्र ही नहीं होता है। शिव का भले हो परंतु जगदम्बा और जगत पिता का चित्र यहाँ ही होता है। भले कोई चित्र वगैरह यहाँ ले जाते हो, पर यहाँ मंदिर भी देखो कितना एक्यूरेट बना हुआ है। कहाँ की बात बताई, कौन से मंदिर की बात हो रही थी? सोमनाथ मंदिर की बात हो रही थी जो बताया। सोमनाथ के साथ सोमनाथी भी जरूर होगी। ये मंदिर भक्ति मार्ग में बने हैं, पर ये चित्र तो ठीक है ना? ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जो मंदिर में है वो एक्यूरेट है ना? भले कोई एक्टर लेकर के बनाते हैं, कोई खूबसूरत स्त्री होती है या कोई पुरुष होता है तो उनका चित्र लेकर के फिर वो बैठ करके मार्बल का बनाते हैं। क्योंकि श्री लक्ष्मी नारायण का वो चित्र तो रह नहीं सकता है, उसका फोटो तो निकल नहीं सकता है। हाँ ये जरूर है कि श्री लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में राज्य किया है, मनुष्य ये भी कहते हैं कि सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य है, और कृष्ण को नीचे ढकेल दिया है द्वापर में। परंतु है तो सतयुग और त्रेता की बात ना, बाप ने समझाया है कि सतयुग में जो श्री लक्ष्मी नारायण थे उनके बचपन की कोई भी हिस्ट्री नहीं है। तो हिस्ट्री किनकी है? शास्त्रों में हिस्ट्री दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण की। वो कौन से लक्ष्मी नारायण हैं? सतयुग के हैं या संगम युग के हैं?
वास्तव में सारी सृष्टि संगम युग की है। राधे और कृष्ण की सृष्टि दिखाई है। राधे और कृष्ण की सृष्टि द्वापर की है, उनको ही कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। फिर भला कोई बताए कि नारायण अष्टमी कहाँ गई? राधे की तो होती नहीं है, कृष्ण की होती है। अगर कृष्ण को द्वापर में ले आए, क्योंकि एक ही मनुष्य चित्र वाला, फिर चित्र का मनुष्य होता नहीं है। नाम रूप देश काल सब फिर जाता है। अगर द्वापर में भी गए तो फिर उनकी तो महिमा ही नहीं है। क्यों नहीं है? है द्वापर तो द्वैतवादी युग है, जहां से रावण राज्य शुरू होता है। परंतु कृष्ण की आत्मा तो वहां जन्म लेती है ना। क्या राधे और कृष्ण ने ही राज्य किया? और कोई ने राज्य नहीं किया क्या? ऐसे भी तो नहीं हो सकता है। क्योंकि राधे प्रिंसेज और वो प्रिंस 11/5/64 की वाणी का पांचवा पेज तो जरूर गाया हुआ है कि राधे कृष्ण के महल में आती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे दिल लग गई। राधे अपनी राजधानी में रहती थी और वो अपनी राजधानी में। तो जरूर दोनों का स्वयंवर हुआ होगा। राधे कृष्ण का राज्य कभी गाया हुआ नहीं है, क्योंकि श्री लक्ष्मी नारायण है, फिर पीछे सीताराम। तो कहाँ है लक्ष्मी राधा कृष्ण का राज्य? तो ये तो बात ही नहीं निकलती है। डायनेस्टी है सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशी में सूर्यवंशी कृष्ण तो आ ही नहीं सकता। क्योंकि सूर्यवंश है ऊंचा और चंद्रवंश है नीचा। सूर्यवंशी कृष्ण कैसे जावेगा? तो देखो मुझ हो गई है। सूर्यवंशी कृष्ण चंद्रवंशी राधे की यहाँ क्यों नहीं जावेगा? क्योंकि उनको नशा रहता है कि मैं सूर्यवंशी हूँ, सूर्य में ज्ञान की रोशनी ज्यादा होगी या चंद्रमा में होगी?
दिखाई दिया है, ये मानते हैं कि सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो देखो कितना घोटाला है। परंतु जब कोई एकदम नया आवे तो उनको बोलो, देखो एक बात तो पहले सुनाओ कि परमपिता परमात्मा जिनको गॉड फादर कहते हैं वो तो एक है ना, और वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज फादर माना ही बीज। देखो ये फादर है ना, तो ये फादर बीज रूप है। वो हद का फादर होता है, ये बेहद का फादर है। हद के फादर भी पहले स्त्री की रचना करते हैं, इसने भी स्त्री रची, बरोबर स्त्री का तन लिया ना। अडाप्ट की है, फिर उस स्त्री से बच्चे पैदा हुए। हद के बाप पैदा करते हैं, अडाप्ट नहीं करते। हाँ स्त्री को अडाप्ट किया, ये मेरी स्त्री है, और स्त्री कहती है ये मेरा पति है, तो इसको एडॉप्शन कहा जाता है, एंगेजमेंट। अब स्त्री को जन्म तो नहीं दिया ना, अडॉप्ट किया है। तो बाप भी कहते हैं मैं इनको अडॉप्ट करता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करके इन द्वारा फिर मैं अडॉप्ट करता हूँ। किन में प्रवेश करके? इनमें ये शब्द है, एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है, तो ये दो हुए जो गाए जाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। इनमें प्रवेश करता हूँ, ऐसा कोई समझा ही नहीं सकेंगे कि मैं अडाप्ट करके ये सृष्टि रचता हूँ। भगवान ने सृष्टि कैसे रची ये कोई को मालूम थोड़ी ही है? नहीं, हाँ ये जरूर है कि समझते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं कि किसको किसने पैदा किया। वो कहते हैं अल्लाह ने पैदा किया। अब कैसे अल्लाह ने पैदा किया? वो फादर तो है, खुदा तो है, बाप तो है, परंतु पैदा कैसे किया कोई भी नहीं जानते हैं। क्या होता है? क्या प्रलय होती है? उसके बाद कोई सागर पर एक पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आता है,
भला अगर एक ही मनुष्य आया परंतु सृष्टि रचने के लिए तो दो चाहिए ना, स्त्री भी चाहिए, तो सागर में दो दिखलाना चाहिए। ये भी एक भूल है कि सृष्टि जब नई नई होती है तो कृष्ण सागर में पत्ते के ऊपर लटकता हुआ आता है, ऐसे शास्त्रों में दिखाते हैं ना। परंतु एक से क्या हो सकता है, अगर मनुष्य है तो फिर दूसरा मनुष्य फीमेल भी चाहिए। और यहां मनुष्य की तो बात है ही नहीं। बाप कहते हैं मैं बैठ करके तुमको अडॉप्ट करता हूं, क्योंकि ये सारी सृष्टि पतित है, अडॉप्ट करके मैं पढ़ाता हूं। तुम सब बच्चे कहते हो कि बाबा हम आपका मुखवंशावली बनेंगे, आपका माने कौन किससे कहता है, माना तुम सूर्यवंशी बच्चे कहते हो कि हे बाबा ज्ञान सूर्य हम आपके मुखवंशावली बने हैं। तो फिर मुखवंशावली बनने के लिए मुख भी चाहिए ना। तो बाप कहते हैं मैं इस मुख का आधार लेता हूं। जो गाया जाता है, चित्र भी बनाया हुआ है, गंगा कहाँ से निकली, दिखाते हैं गंगोत्री से गंगा निकली, परंतु गंगोत्री से भी पहले कहाँ से निकली, तो गौमुख बनाए दिया है। ये आर्गन्स का आधार लेता हूँ और कहता हूँ कि हाँ बच्चे तुम भी कहते हो शिव बाबा, हम आपके बच्चे थे, पहले भी बच्चे थे और अभी फिर आपके बने हैं। क्यों बच्चे, बच्चे हैं तो बाप का वर्षा चाहिए। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए बहिष्ट की सौगात लेकर के आया हूं। देखो ये बेहद का बाप है। परमपिता कहते ही हैं कि मैं तुम बच्चों के लिए सौगात लाया हूं। क्या सौगात लाया हूं, बैकुंठ की सौगात, फिर स्वर्ग की सौगात तुम्हारे लिए लाया हूं। अभी ये सौगात कोई बर्तन वगैरह तो नहीं है, तुम समझ गए हो कि बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, और तुम सब स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहां बैठे हो। गाया जाता है यथा राजा तथा प्रजा, स्वर्ग का मालिक बाप भी है, राजा भी है, रानी भी है, तो प्रजा भी है। आज की दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि यथा राजा तथा प्रजा, राजा भी मालिक है तो प्रजा भी मालिक, नहीं,
तो बच्चों को यही समझाया जाता है कि बच्चे ये राजयोग है, इस राजयोग में राजधानी स्थापन हो रही है, राजाई स्थापन हो रही है, उसमें प्रजा वगैरह सब होगी। तो देखो कितनी बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। 11/5/64 की वाणी का छठा पेज। धर्म स्थापन करने जो भी प्रीसेप्टर्स आते हैं वो आकर के ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं कोई क्रिश्चियन राजा ही स्थापन करता हूं, नहीं, वो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि सब अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजा ही कोई नहीं स्थापन करते। कोई भी आएगा तो ऐसे नहीं कहेगा कि मैं सिख राजा ही स्थापन करता हूं, नहीं, ये सो भी यहां बैठ करके राजाई स्थापन करते हैं। तुम ही भविष्य नई दुनिया में बादशाह बनेंगे। नई दुनिया में बादशाही लेने के लिए तुम यहां शिक्षा पा रहे हो। तो देखो ये वंडरफुल बात है ना, बाप बैठ करके सब समझाते हैं। अच्छा, बाबा तो फिर दूर जाते हैं, बाबा को तो समझाना है, पहले कोई मिले तो उनको कैसे समझावे, पहले पहले उनको यही बात समझाना है कि गॉड फादर इज वन, वन है और वो वन बीज रूप है, हम सभी उनके बच्चे हैं, इसलिए आपस में ब्रदरहुड है, वो फादर है और हम उनके बच्चे हैं, गॉड फादर है। अभी जब फादर है तो क्रिएटर है, और क्रिएटर है हेवन का स्वर्ग का, तो ये तो जरूर कहेंगे ना, तो जरूर हमको उनसे स्वर्ग की बादशाही का हक है। अभी तो कलयुग है, कलह युग को ही कलयुग कहा जाता है, यहाँ तो कलह क्लेश का युग है, ये कोई भगवान का वर्षा नहीं है। तुमको मालूम नहीं कि सतयुग में बादशाही थी, और वो सुख शांति की बादशाही बाप ने दी, अब क्रिएट करेगा तो फिर से 500 करोड़ मनुष्य तो नहीं क्रिएट करेंगे, जिनको बात चाहिए देंगे। तो देखो ये नई क्रिएशन है, कौन सी, जो सतयुग में से क्रिएशन क्रिएट करते हैं उसका नाम ही है सूर्यवंशी क्रिएशन। तुम भविष्य के लिए सूर्यवंशी राजधानी का मालिक बनते हो, सब तो नहीं बनेंगे, तो तुमको क्रिएट किया है। तो देखो ये मनुष्य सृष्टि कैसे क्रिएट करते हैं ये अभी तुम जानते हो। बाबा ने हमको मुखवंशावली बनाया, और
और क्रिएट करने का तो कोई अर्थशास्त्र भी नहीं लिखा हुआ है। बोलते हैं कि ये है हमारी मुख वंशावली, भगवान वाच, ये मेरी मुख वंशावली है और बाकी सभी रावण की कुख वंशावली है। किसने कहा मेरी मुख वंशावली है? कौन सी मुख वंशावली? सूर्यवंशी मुख वंशावली। तो कौन कहेगा? सूर्य ही कहेगा मेरी मुख वंशावली, और बाकी सभी है रावण की मुख वंशावली। माना चंद्रवंशी किसकी मुख वंशावली हुई है? ये सूर्यवंशी है मेरी मुख वंशावली, और बाकी सभी है रावण की मुख वंशावली। तो उन रावण की मुख वंशावलियों में चंद्रवंशी मुख वंशावली आती है या नहीं आती है? हैं? आती है। बाकी इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि सभी आ जाती है। बाप की है मुख वंशावली और रावण की है कुख वंशावली। कैसे? ज्ञान कैसे सुनाया जाता है? मुख से ही तो ज्ञान सुनाया जाता है। कुख किसे कहते हैं? कुख गोद को कहा जाता है। तो जिनको नशा रहता है कि हमने ब्रह्मा बाबा की गोद ली, वो कुख वंशावली हुए या मुख वंशावली हुए? मुख वंशावली उनको ही कहेंगे जो मुख से निकली हुई बात को मानते हैं और उन बातों पर चलते हैं। तो रावण की है ये सारी कुख वंशावली, क्योंकि वो सब कुख से पैदा होते हैं। वो ब्राह्मण है ही कुख वंशावली, और तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। तुम किसको कहा जाता है? जो सन्मुख बैठे होते हैं उनको तुम कहा जाता है। देखो, वो ब्राह्मण कहते हैं कि हम ब्रह्मा की संतान हैं, कहते हैं ब्रह्मा की संतान है, तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो क्या जवाब देंगे? कहेंगे हमारा ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है। तो तुम यहाँ कहाँ से आ गए? जब तुम किसको भी बताएंगे तो सभी कहेंगे बरोबर, वास्तव में हम ब्रह्मा की औलाद है, तभी तो ब्राह्मण हुए। एडम आदि देव का कुछ कहते हैं ना, तो ब्रह्मा तो प्रजापिता है, तो प्रजापिता माना सभी ब्राह्मण। ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं ना, जो जो जिस धर्म का है ये ब्रह्मा के मुख वंशावली है, तो ब्राह्मण हुए। तो बरोबर तुम हो अभी ब्रह्मा के बच्चे सच्चे औलाद ब्राह्मण। ब्राह्मण है सबसे ऊंच, क्योंकि ब्राह्मण को रखा ही जाता है ऊपर चोटी में। ब्राह्मणों की चोटी दिखाते हैं ना,
ये जो विराट रूप का चित्र बनाते हैं उसमें से जो ऊंचे ऊंचे भागवत है उस ऊंचते ऊंचे भगवंत को उड़ाई दिया है। भक्ति मार्ग में विष्णु का ऐसा चित्र दिखाते हैं ना, परंतु उसमें चोटी को उड़ाई दिया। शूटिंग कहाँ होती है? शूटिंग भी यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में होती है। जो बाबा कहते हैं लाश भी गुम कर दिया। अभी तो प्रजापिता का नाम भी कोई नहीं लेते हैं। जैसे शिव बाबा को त्रिमूर्ति से उड़ाई दिया, वैसे ब्राह्मण की चोटी भी उड़ाई दी है। जब कोई से या बोलेगा तो देवताएं क्षत्रिय वैसे शूद्र बोलेंगे। विचारों को ब्राह्मण का पता ही नहीं है। तो पहले पहले तो ब्राह्मण है ना। देखो तुम कितनी ऊंचे से ऊंची सेवा करते हो, कहते भी हो ऊंचे से ऊंचा भगवंत, फिर ऊंचे से ऊंचा भगवंत से पैदा किए हुए तुम ब्राह्मण बच्चे। अभी सेवा का चित्र क्यों नहीं दिया है? क्योंकि शिव तो सृष्टि पर आता ही नहीं है। सृष्टि पर तो साकार में आते ही हैं ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो अभी शिव बाबा को गुम कर दिया है, क्योंकि वो बाबा कहते हैं हम तुमको राज्य दे देता हूँ और हमारा ही नाम गायब हो गया। तुमको बादशाही देता हूँ, बादशाही दे करके फिर मैं छिप जाता हूँ, फिर हमारा नाम ही गुम हो जाता है। ग्यारह पांच चौसठ की वाणी का सातवां पेज बरोबर, मैं छिप जाता हूँ। नचित्रों वगैरह में कुछ देखने में आता है, बाकी एक रह जाता है शिव का। तो शिव का कोई चित्र है क्या? मनुष्य का चित्र होता है तो इंद्रियां दिखाई जाती है, नाक आंख कान भौं सब दिखाते हैं। ये शिव क्या है? क्या किया शिव ने? कैसे सृष्टि रची? वो बात कोई को पता नहीं है। तो बाप कहते हैं जब कोई नया आवे तो जास्ती माथा मत खपाओ, कोई से भी जास्ती माथा खपाने की दरकार नहीं। उनको बोलो गॉड फादर इज वन, वो क्रिएटर है स्वर्ग का और ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है। भारत ही मालिक था, अभी भारत मालिक नहीं है, अभी कलह युग है। अभी जो स्वर्ग के मालिक देवता थे वो पुनर्जन्म लेते लेते चौरासी जन्म लेते लेते आ करके अभी शूद्र वर्ण के बने हैं। अभी बाप फिर उनको ब्राह्मण बनाए रहे हैं।
तुम भी ब्राह्मण बनेंगे, संपूर्ण ब्राह्मण बनेंगे, तब फिर देवता बनेंगे। अभी शूद्र हो, अच्छी तरह से उनको एकदम समझाई देना है कि अभी स्वर्ग तो नहीं है ना, चित्र तो है तुम बच्चों के पास, वो चित्र भी बना लेंगे। कच्चा बनाया था, चोटी के साथ में रखा, परंतु कोई ने ऐसे एक्यूरेट नहीं बनाया, तो वो चित्र रह गया। अभी वो भी बनाएंगे, चोटी के आगे फिर शिव जरूर देना पड़े। भक्ति मार्ग में क्या यादगार है इसकी है? ब्राह्मण चोटी रखते हैं, जब उसमें गांठ बांधते हैं तो बीच में क्या दिखाई देता है? शिव ही दिखाई देता है ना, तो चोटी के आगे फिर शरीर शिव जरूर देना पड़े। समझा? चोटी के ऊपर में शिव, जैसे त्रिमूर्ति के ऊपर शिव रखा है, इसके ऊपर भी मनुष्य का विराट चित्र बना सकते, और फिर उनके ऊपर शिव। ये आर्टिस्ट है ना हमारे पास, वो सुन रहे हैं, बहुतों ने वो चित्र बनाया है, परंतु वो चित्र फ्रंट में समझाने के लिए आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी शिव बाबा है ही नहीं। ऐसे क्यों कहा? चौसठ की वाणी है, उस समय के लिए बोला अभी शिव बाबा है ही नहीं। शिव बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। कौन सा साकार? मुकर्रर रथ है या टेम्पररी रथ है? हैं? मुकर्रर रथ। तो जो ब्रह्मा का तन था, जिस ब्रह्मा की तन से ये वाणी चलाई, वो मुकर्रर था या टेम्पररी था? हैं? टेम्पररी था। सन 47 से शुरू हुआ उनके तन से मुरली चलाने का काम, और 68 तक चलता रहा, बाकी गायब हो गया। तो मुकर्रर तो नहीं कहेंगे, मुकर्रर माना आदि से अंत तक, आदि में भी हो, मध्य में भी हो, अंत में भी हो। तो शिव बाबा लगाए करके फिर अगर समझाए नहीं सके, तो फिर मनुष्यों को समझाया जाए कि भगवान पहले आकर के ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, पीछे वो ब्राह्मण देवता बनते हैं। देवता से फिर क्षत्रिय बनते हैं, ऐसे ऐसे करते करते फिर 84 जन्म होते जाते हैं। तो ये समझाने के लिए भी तो चित्र की दरकार होगी ना। अभी बाबा तो डायरेक्शन देगा, तो जो चित्रकार होगा, क्योंकि वो चित्रकार सुनते तो है ना, टैप में भी सुनते हैं, तो समझेंगे कि हाँ ऐसा बनाना चाहिए,
जो मनुष्यों को समझाने से ठीक हो जावे। ये तो डिटेल में। फिर बाबा चला गया, किसको कैसे समझाया जाए? ये बाबा फिर भी समझाते हैं। कोई बात ऐसी आवे तो चिढ़ो नहीं, क्योंकि मनुष्यों को अल्फ पहले समझाना है। बिंदी समझ में नहीं आवेगी, अल्फ तो समझ में आवेगा। जब तक अल्फ समझे और लिख करके देवे कि हमने अल्फ को समझा है, बिल्कुल ही समझ लिया, फिर वो सब जल्दी जल्दी समझ जाएंगे। अल्फ को ना समझने के कारण मनुष्य दुर्गति को पाए हुए हैं। तो कौन हुआ अल्फ? तब से दुर्गति हुई है, कहेंगे द्वापर से दुर्गति हुई, इससे पहले तो जो स्वर्ग में राजधानी थी उसमें पीछे गद्दी के पीछे नारायण का चित्र दिखाती थी। तो दुर्गति की बात ही नहीं। फिर द्वापर से द्वैतवादी युग आने के कारण वो चित्र गुम हो गया। तो सभी दुर्गति को पाए गए, सभी आर्फंस बन गए हैं। तो मूल है एक बात कि अल्फ को न समझने से, बाप को न जानने से मनुष्य एकदम आर्फन बन गए हैं, दुखी हो गए हैं। तो पहले पहले वो समझाना चाहिए, उनको समझाना है कि वो बाप है और ये सभी ब्रदर्स हैं। जब वो बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो फिर सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो जाते हैं, मूल से ही ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये जो सिजरा है ऐसे ही है, शिव की आत्मा तो है ही इमॉर्टल। पीछे जब मनुष्य सृष्टि रची जाती है तो पहले पहले हैं ब्रह्मा सरस्वती, पहले पहले हैं ब्राह्मण, पीछे ये सब बिरादरियां कमती होती जाती है। पीछे ब्राह्मण से देवता बनते हैं, देवता से क्षत्रिय बनते हैं, क्षत्रिय से वैश्य बनते हैं, वैश्य से शूद्र। ऐसे ही इस सृष्टि का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। झाड़ तो है बच्चों के पास, पहले पहले एकदम क्रिएटर से ही भूल जाएं तो क्या समझेंगे, आर्फन बन गए हैं, सब दुखी हो गए हैं, बिल्कुल दुखी। तो साधु संत महात्मा सब दुखी बने। बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी परित्राण करने आता हूँ, यानी उद्धार करने आता हूँ, मुझे आना पड़ता है, क्योंकि वो साधु भी दुर्गति को पाए हुए हैं। फिर भी उसमें अक्षर तो लिखा हुआ है कि मैं आता हूँ सबका उद्धार करने के लिए।
जब ये साधु आ गए तो बाकी सब कचर पट्टी हो गई। समझा? ये कचर पट्टी कैसे बनी? कचर पट्टी बनाने वाला कौन? बाप पूछते भी है, रावण कौन? जवाब भी देते हैं, जरूर कहेंगे ये गुरु लोग, ये साधु संत गुरु लोग इनका अर्थ भी नहीं समझते हैं, क्योंकि बत्तर बुद्धि है, ज्ञान तो उनमें है ही नहीं। 11/5/64 की वाणी का 8वां पेज। सभी की बुद्धि में गॉड रेस का ताला लगा हुआ है। पत्थर पड़ा हुआ है, गॉड रेस का ताला क्यों कहा? गॉड तो सबसे ऊंचे से ऊंचा है ना, उसकी रेस जैसे उसकी ज्ञान की किरणें बुद्धि को ताला लगाएंगी या ताला खोल देंगी? है ताला क्यों लग जाता है? ताला इसीलिए लगता है कि बाप बार बार समझाते हैं और बार बार बच्चे उन बातों का उल्लंघन करते हैं, धारण ही नहीं करते। तो गॉड इसका ताला लग जाता है, कुछ भी समझते नहीं। फिर बाबा आकर के कहते हैं, माया ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बनाई दिया, माना पत्थर बुद्धि कर दिया। बच्चों को समझाने के लिए बाबा फिर भी डिटेल में चला जाता है, परंतु फिर नया कोई आवे तो उनको पहले पहले से समझाना है, ये फादर है उनसे प्रॉपर्टी का वर्षा मिलता है, वो बाप स्वर्ग का क्रिएटर है, तो अभी बाप आया हुआ है तो स्वर्ग की बात चाहिए, जरूर चाहिए। जब बाबा आकर के स्वर्ग स्थापन करते हैं तो उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति। जब जीवन मुक्ति की स्थापना करने आते हैं तो जरूर बाकी जो इतने मनुष्य हैं वो सब तो जीवन मुक्ति में यानी सतयुग में नहीं होंगे ना। जीवन मुक्ति में कितने होंगे? जब बाप आते हैं उनकी कोई लिमिट है, संख्या है? हैं? कितनी है? है? जीवन मुक्ति की स्थापना करने आते हैं तो जीवन मुक्ति में साफ तो नहीं होंगे ना। तो जीवन मुक्ति में आने वालों को बाप फिर ले जाते हैं अपने मुक्ति धाम में। मुक्ति धाम को ही शांति धाम और जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता है। और अभी जो ये जीवन बंद है उनको दुख धाम कहा जाता है। तो ये तीन अक्षर हैं, कौन कौन से?
दुखदाम, मुक्तिदाम और सुखधाम, उनको जरूर समझाओ कि ये भारत में जब सुख था, स्वर्ग था, तो फिर बाकी जो मनुष्य थे वो सभी कहाँ थे? जरूर कहेंगे मुक्तिधाम में। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, तो हक है कि स्वर्ग का रचयिता है तो फादर को आना पड़ता है स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। फादर से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, तो फिर बताना होता है कि हम ये वर्षा ले रहे हैं, ये वर्षा भारत में ही था, अब नहीं है, फिर हमको ये वर्षा मिलता है। तो बाबा कहते हैं आ करके समझो, इसमें मेहनत कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं दूर बैठे बैठे समझ जाओगे, सन्मुख आना पड़े, बाप को याद करना है और बाप का वर्षा स्वर्ग को याद करना है। बाकी मरना तो जरूर है, कोई हद की मौत मरेंगे, कोई बेहद की मौत मरेंगे। बेहद का मौत जीते जी मरना कहा जाता है, देह अभिमान से मरना है, ये लड़ाई का स्थान है। इस समय में हरेक के ऊपर पापों का बोझ बहुत है, जितना जितना बाप को याद करेंगे उतना ही तुम हेल्दी बनेंगे। और जितना सुदर्शन चक्र फिराएंगे, सत्युग त्रेता को याद रखेंगे, स्वर्ग को याद करेंगे, तो तुम धनवान राजा बन जाएंगे। ज्ञान से धन मिलता है और याद से आत्मा हेल्दी बनती है। तो वहां नई दुनिया में शरीर भी हेल्दी मिलेगा, तो ये अच्छी बातें सुनाते रहो। इन बातों को सुनाने में कोई तकलीफ तो नहीं होती है ना? तो बस बाप और बाप का वर्षा, ये दो चीजें पकड़ करके लिखवाओ। सन्यासी आवे तो उनको झट से ये बात कहो कि सन्यास दो प्रकार का है, एक है हठयोग सन्यास और दूसरा है राजयोग, सहज राजयोग। और राजयोग तो बरोबर गीता ज्ञान का ही है, गीता में ही लिखा है भगवान वाच, मैं तुझे राजाओं का राजा बनाऊंगा। अब राजाओं का राजा तुम सन्यासी तो नहीं बनते हो ना? क्योंकि तुम तो हो ही निवृत्ति मार्ग वाले। ये गीता का ज्ञान है प्रवृत्ति मार्ग का, तो सन्यासियों को बताए देना चाहिए
ये वो हठ योग संन्यास नहीं है जो मनुष्य गुरु बैठ करके सिखलाते हैं कि तो सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान है जो भगवान बैठ करके सिखलाते हैं। तुम समझो इशारी में ही कि वो गीता का ज्ञान देने वाला बाप है, वो ही बैठ करके स्वर्ग का वर्षा देंगे। ये शंकराचार्य तो बाप नहीं है ना, ये शंकराचार्य आदि तुम्हारे बाप हैं क्या? इनको बाप नहीं कहा जाता है, सिर्फ गुरु कहा जाता है। बाबा ने समझाया है कि रियलिटी में बाप किसको कहा जाता है। ऐसे तो म्युनिसिपैलिटी में भी मेयर होगा, उनको भी बाप कह देंगे। बड़ा आदमी बुड्ढा देखेंगे तो उनको भी बाप कहेंगे। रियलिटी में पहले नंबर में बड़े से बड़ा बाप तो एक ही है, फिर है ब्रह्मा, फिर लौकिक बाप। तो ये तीन बाप सिद्ध करके बताओ कि एक है आत्माओं का बाप, फिर है मनुष्य सृष्टि का बाप, इस लौकिक संसार में जिस प्रजापिता ब्रह्मा से भगवान आकर के मनुष्य सृष्टि रचते हैं, तो जरूर मनुष्य सृष्टि रचेंगे स्वर्ग के लिए। कैसे रचते हैं वो आकर के समझो। दूसरा है लौकिक बाप, उनसे इनहेरिटेंस मिलने का है। बाकी बाप तो बहुत कह देते हैं। तो सबसे बड़े से बड़ा हुआ वो एक बाप, उस बाप से बेहद के बाप से हम बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। परंतु अभी तो कलयुग है और कलयुग के बाद सतयुग तो जरूर आवेगा, तो सतयुग का वर्षा हम एक सत बाप से लेते हैं। अंग्रेजी में कहते भी हैं गॉड इज ट्रुथ, सच्चा बाप हमको सच्ची बादशाही का वर्षा देते हैं। हम बाप से अपना हक ले रहे हैं और हमको उस बेहद के बाप से हक जरूर मिलता है। 11/5/64 की वाणी का नवा पेज। और कभी कोई दूसरा मनुष्य नहीं कहेगा कि सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मैं वर्षा नहीं देता हूं। तुम माना सन्मुख आने वाले बाप कहते भी हैं, जो मेरे से आकर दो अक्षर सुनेंगे तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे। तो ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं जो अच्छी तरह से समझाए सकते हैं। बाकी तो बेचारे कुछ जरा भी नहीं समझा सकते। देखो बाबा नीचे बैठकर भी बच्चों से मिलते हैं, अभी बच्चों को अपन से भी ऊपर बिठाए करके देखते हो। यहां कोई गलीचे वलीचे हैं क्या? नीचे बैठे हैं। तो बाप सिखलाते हैं कि हे बच्चे, तुम्हें अहंकारी टट्टू कभी नहीं बनना, निरहंकारी होकर के रहना।
जो अहंकारी होते हैं वो देह अभिमान में रहते हैं, तो उनको अहंकारी कहा जाता है। जो देही अभिमानी होते हैं उनका वातावरण, उनकी शिकल अलग ही होती है, वो बहुत नम्रता से समझाते हैं और अच्छी तरह से समझाते हैं। देखो बाप कितनी नम्रता से समझाते हैं, और देखो बाप आते कहाँ हैं और किसमें आते हैं और फिर कैसे समझाते हैं। हाईएस्ट अथॉरिटी है भगवान, और तुमको कितना प्यार से पढ़ाए रहे हैं। स्कूल में जो नालायक बच्चे होते हैं तो बड़ी चंचलता करते हैं और टीचर को बहुत तंग करते हैं, न पढ़े तभी टीचर को तंग करे ना, जरूर तंग करते होंगे। तो देखो आ करके तुम बच्चों का हू बहू ऐसे टीचर बना है और पढ़ाते देखो कितना साधारण। बाप को कोई समझ सकेगा कि ज्ञान का सागर है? कोई समझेंगे परमात्मा बाप इनको पढ़ाते हैं? तुम बिगर कोई समझेगा नहीं, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते हैं, नहीं तो आश्चर्यवत भागंति क्यों हो जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं ऐसे ऊंचते ऊंच बाप की मत पर क्यों नहीं चलते हैं। बाप कहे बच्चे मैं फरमान करता हूं कि तुम कभी भी विकार में नहीं जाना, नहीं तो हमेशा के लिए तुम्हारी सत्यानाश हो जाएगी। विकार किसे कहा जाता है? वे माने विपरीत, कार माना कार्य। विपरीत कार्य क्या है? भगवान बाप कहते हैं सुख देना है और सुख लेना है, कायदे से सुख लेना है, कायदे से सुख देना है। समाज के भी कायदे होते हैं ना, गवर्नमेंट के भी कायदे होते हैं, ये ईश्वरीय गवर्नमेंट के कायदे भी हैं। तो कायदे अनुसार सुख देना है, सुख लेना है। सुख और दुख इंद्रियों से ही दिया जाता है। तो बोला इंद्रियों से विपरीत कार्य में कभी नहीं जाना। विपरीत मना ईश्वर ने जो बताया है, क्या बताया है? सुख देना है और सुख ही लेना है, न दुख देना है और न दुख लेना है। जो श्रीमत के बरखिलाफ काम करते हैं, इंद्रियों से दुख देते हैं, उसको विकार कहा जाता है। बच्चा बनकर के एक दफा भी अगर विकार में गए तो ऐसे गिरेंगे ऊपर से जो साल दो साल तक तो तुम्हारा माथा ही खराब हो जाएगा, जैसे कि बेड पर पड़े रहेंगे।
हड्डी गुड्डी टूट पड़ी होगी। देखो ये बाप कहते हैं ना, और फिर बोलता है, कहते हैं नहीं तो फिर मैं धर्मराज से डंडा भी खिलवाऊंगा, पूरा पूरा खिलाऊंगा, क्योंकि करण का रावण हार है ना। तो भी देखो चलते चलते माया उनको नाक से पकड़ करके गटर में डाल देती है। इसे लिख देते हैं बाबा माया ने चोट लगाई। बाबा कहते हैं माया ने चोट लगाई, मुआ तुम कमजोर क्यों बन गए, तुमको उस्ताद की महिमा करनी चाहिए या निंदा करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाले दो तरफ हो गए ना। माया ने तुमको थप्पड़ मार करके गिरा दिया, अरे तुम ऐसे ऐसे उस्ताद बाप का बच्चा बना और तुम फिर हार गया, नैलत है तुम पर, तुम तो कोई कुल कलंकित दिखाई पड़ते हो। बाप तो जरूर कहेंगे ना कि तू जानते हो कि बाबा बहुतों को देखते हैं, बहुत ही कुछ न कुछ करते रहते हैं, काम क्रोध देह अभिमान में आकर ऐसे ऐसे करते हैं, तो बाबा तो जरूर कहेंगे ना बड़े नालायक हो, बड़े कुल कलंकित हो, तुम तो अपना सत्यानाश कर रहे हो, तुम अपने 84 जन्मों के सुख को दाग लगाए देंगे, बिल्कुल ही दागीला, ऐसा कोई दूसरा बाप थोड़े ही बैठ करके कहेंगे। बाप तो बिल्कुल समझाते हैं बच्चे, कोई भी गफलत मत करो, ये बड़ी चाढ़ी है, एकदम चाढ़ी, नहीं तो थोड़ा भी थप्पड़ खाएंगे गिरेंगे, फिर हड गुड टूट जाता है, इसलिए कोई भी खता नहीं, किसके ऊपर भी क्रोध नहीं करो, बच्चों के ऊपर भी क्रोध मत करो, सबके साथ प्यार से ही तुमको काम निकालना है। बाबा अगर प्यार का सागर न होता तो इतने बच्चों को कैसे संभाल सकता था, और प्यार से ही बिल्कुल संभालते रहते हैं, अच्छी तरह से संभालते हैं। तो जब इतने बच्चों को बाप प्यार से संभाल सकते हैं तो तुम क्या अपने एक दो बच्चों को प्यार से नहीं संभाल सकते, संभाल सकते हो ना। संभाल नहीं सकते हो तो थप्पड़ मार देते हो, फिर थप्पड़ किसको लगाते हो, छोटे छोटे बच्चों को थप्पड़ लगाते हो, उनको तो और ही थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो छोटे बच्चे तो महात्मा लोग हैं, विकार की बातों को तो जानते ही नहीं है। बाप तो विकारी होता है, तो तुम ये क्या करते हो, विकारी होकर के उस महात्मा बच्चे को थप्पड़ लगाते हो, तो बच्चा तो महात्मा ही गिना जाता है। अच्छा आज थोड़ी देरी हो गई है, दिन भी सोमवार का है, परंतु बच्चों को समझाना बहुत अच्छा है, पहले पहले तो एकदम तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ा हुआ होना चाहिए, हम बाप से वर्षा लेते हैं, और देखो बाप कितना साधारण है, इतना साधारण है इसलिए ही शायद तुम मुझे जाते हो।
ये बातें बाबा कोई सबके लिए थोड़े ही कहते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं, तुमको कब निश्चय हुआ? कहते हैं 2 वर्ष हुए। अरे मुझे तो डम वंडर लगता है कि तुमको 2 वर्ष हुआ। उस बाप को जानने के बाद जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनसे मिलने के लिए तुमको फुर्सत नहीं मिलती। कोई बंधन नहीं, कुछ फलानी बात नहीं, तुम कोई भी पक्षी थोड़े ही हो। मिसाल दिया ना कि तोता झाड़ पर बैठा था और रड़ी मारता था कि मुझे कोई छुड़ाओ। अरे तुमको पर है, तुम रड़ियां क्यों मारते हो? सन्यासी लोग ये दृष्टांत देते हैं। अरे बच्ची कोई भी हो, कुछ भी हो, पति हो, अरे बाप मिलते हैं तो फिर क्या? तुम गाते रहते हो और संग तोड़ तुम संग जोड़। अभी तुम कहेंगे कर्म बंधन है, और अगर है तो फिर तोड़ो ना। अच्छा ओम शांति।